सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जमीक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं नहीं टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी का किस तरह से आपके डिवाइस में यूज होता है वो सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो करते हैं इस वीडियो को। कैश मेमोरी है जो बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी है जिसका यूज होता है आपके डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए। जब भी किसी भी वेब पेज इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपके डिवाइस को रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस की जाती है आपके डिवाइस में रही हुई कैश मेमोरी में। अगर वो इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में से ना मिली तो उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन आपकी प्राइमरी मेमोरी में से एक्सेस की जाती है। कैश मेमोरी में से जो मेमोरी एक्सेस होती है उसके टाइप से कैश हिट और कैश मिस। वो इन्फॉर्मेशन का कैश हिट का रेशियो है, जो कैश हिट का जो रेशियो है वो हाई रहा तो मतलब कि आपका प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा होगा और वो आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। और कैश हिट का रेशियो लो हुआ तो मतलब कि कैश मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन गेन करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा और थोड़ा कैश हिट के जो हाई रेशियो के कंपेयर टू थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। कैश मिस में मतलब कि क्या हो कि कैश मेमोरी में से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मतलब कि उसके लिए उसको मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपकी दूसरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का सहारा लेना पड़े तो उसको बोलते हैं कैश मिस। कैश मेमोरी में से जो आपको मतलब कि कैश मेमोरी को मालूम कैसे चलेगा कि ये मेमोरी मेरे को अभी एक्सेस करनी है, ये मेमोरी को मुझे इसमें सेव करनी है तो उसके बेसिकली एल्गोरिदम्स है जिसमें सबसे पहला एल्गोरिदम है वो है LRU। LRU का मतलब है लिस्ट रिसेंटली यूज। जो इन्फॉर्मेशन को आपने रिसेंटली यूज की होगा वो इन्फॉर्मेशन आपके कैश मेमोरी में स्टोर कर दी जाएगी। बाद में आता है LRU के बाद में आता है LFU मतलब कि लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो रहते हो इन्फॉर्मेशन का आजकल आज एक्सेस की, थोड़े दिन बाद एक्सेस की, थोड़े घंटे बाद एक्सेस की तो वो सभी तरह की फ्रीक्वेंटली यूज इन्फॉर्मेशन को भी आपके कैश मेमोरी में स्टोर कर दी जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आज के आपके कैश मेमोरी में स्टोर भी रहेगी। उसके बाद में आता है MRU मतलब कि मोस्ट रिसेंटली यूज। मोस्ट रिसेंटली यूज का मीनिंग होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने रिसेंटली और मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन यूज करते रहोगे घुसते रहोगे तो वो सभी टाइप के इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज। वो जो बेसिकली कहने मोस्ट रिसेंटली यूज है वो रिवर्स ऑफ LRU मतलब कि जो MRU है वो रिवर्स ऑफ LRU है, वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑपोजिट से वर्किंग करते हैं वो दोनों एल्गोरिथम। और अब बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी से उसको मालूम हो कि ये इन्फॉर्मेशन को मुझे स्टोर करनी है पर वो किस तरह से किस टाइप से आपकी इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में लिखी जाती है वो सब के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहली टाइप है वो राइट थ्रू कैश मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट थ्रू आपके कैश के आसपास मतलब कि सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन आपकी कैश मेमोरी में लिखी जाएगी और बाद में आपकी वो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी यानी कि आपके हार्ड डिस्क में लिखी जाएगी। जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का वेब पेज आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो आपकी कैश मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कोशिश की जाएगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में से मिल गई तो उसे बहुत ही ज्यादा होगा अच्छा रहेगा और उसके बाद में एट ए टाइम वो इन्फॉर्मेशन वेब पेज को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल जाएंगी उसकी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो। और जो इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में से नहीं मिले तो उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपकी प्राइमरी मेमोरी को रिक्वेस्ट करता है और प्राइमरी मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन मिले तो उसके कारण क्या हो कि सबसे पहले उसने एक तो कैश मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट किया, बाद में ना मिली तो उसमें अपना टाइम वेस्ट किया और बाद में उसने प्राइमरी मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन एक्सेस की तो जिसके कारण क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसका एडवांटेजेस ये है कि आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपका फास्टर एग्जीक्यूशन हो पाएगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में से ना मिली और इसके लिए आप उस इन्फॉर्मेशन को सर्च कर दी आपकी प्राइमरी मेमोरी में तो उसके आप उसका टाइम कंज्यूम हुआ तो उसका वो भी एक डिसएडवांटेज है कि वो टाइम कंज्यूम थोड़ी सी। उसके बाद में राइट अराउंड कैश मतलब कि इसका मीनिंग ये है कि राइट अराउंड कैश में इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके प्राइमरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में स्टोर की जाएगी और उसके बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैश मेमोरी में स्टोर की जाएगी। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी यानी कि आपके हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई वो इन्फॉर्मेशन वेब पेज ने रिक्वेस्ट की हार्ड डिस्क में मिल गई पर हार्ड डिस्क में से ना भी मिली तो उसके बाद में उसको इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में से सर्च कर दी जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि हार्ड डिस्क में जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो पाएगी वो क्या होगा फास्टर एग्जीक्यूशन भी हो पाएगा और सभी तरह से सरल भी पड़ेगी पर क्या होगा तो इसमें मेमोरी लॉस्ट होने के चांसेस भी रहे होंगे प्राइमरी मेमोरी स्टोर होने का। तो ये कुछ इसका डिसएडवांटेज है।
और अब बात करते हैं उसके तीसरे टाइप जो है राइट बैक कैश, मतलब कि जो आप इंफॉर्मेशन और दोनों में लिखी जाएगी, कैश मेमोरी में भी और आपकी प्राइमरी मेमोरी यानी कि आपके हार्ड डिस्क में भी, वो मतलब कि आपको बैकअप रहेगा। आप जैसे कि क्या करते हैं अपने ऐसे आप ज्यादातर आप ऐसा अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने आपके कॉन्टेक्ट सेव किया था आपके मोबाइल में तो आप सेव किए, पर उसके बाद में अगर हम करते हैं कि चलो ना बैकअप के लिए हम वो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट है हमारे सिम कार्ड में भी स्टोर कर लेते हैं, वो कॉन्टेक्ट लिस्ट हमारे बैकअप के लिए हम आपको हमारे गूगल अकाउंट में या फिर हमारा जो क्लाउड सोर्सिंग है वहां पे भी हम अपना जो कॉन्टेक्ट का जो लिस्ट है वो हम सोर्स कर, तो बस उसी तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो कैश मेमोरी में तो स्टोर रही होगी, बाद में वो इन्फॉर्मेशन पैरेलली हार्ड डिस्क में भी हमें आपकी प्राइमरी मेमोरी में भी स्टोर रही होगी, जिसके कारण क्या होगा अगर एक एक में से आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो चुके तो उसके बाद में वो अपनी इन्फॉर्मेशन बैकअप के लिए प्राइमरी मेमोरी आपके हार्ड डिस्क में भी एक्सेस कर लेंगे और उसका टाइम नहीं लगेगा और वो जल्दी से आपके एग्जीक्यूशन में भी मदद कर लेंगे, आपकी एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा होगी और आपके इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिल पाएंगे। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द कैश मेमोरी, जिसमें तीन टाइप है L1, L2 और L3, जिसमें L1 कैश मेमोरी है वो सबसे फास्टेस्ट कैश मेमोरी है और उसकी साइज वो है 2 से लेकर 64 केबी तक की और उसकी ट्रांजिस्टर साइज भी बहुत ही बड़ी होती है, जो है उसकी साइज 256 केबी से लेकर 512 केबी तक की साइज है। बाद में आती है L3 की साइज जो 1 MB से लेकर 8 MB तक की साइज है, वो है L3 कैश मेमोरी की साइज है। अब बात करते हैं कि L1 जो कैश मेमोरी उसकी ट्रांजिस्टर साइज सबसे हाई सबसे बड़ी होती है जिसके आपको एग्जीक्यूशन फास्टर मिलता है। बाद में आता है L2 जिसके ट्रांजिस्टर साइज है वो L1 से छोटी होती है पर L3 से बड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो बीच की मीडियम साइज और उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड L1 से स्लो और L3 से ज्यादा। बाद में आता है L3 जिसकी ट्रांजिस्टर साइज जो है वो सबसे कम होती है और उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी लो होती है। तो बस होप कि आपको ये सभी टाइप के कैश मेमोरी के जो टाइप्स है और कैश मेमोरी कैसे इन्फॉर्मेशन मिल गए हो किस तरह से वर्क कर गए हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।